महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है राजस्थान की पावन धरा पर आपका। सर महाराज जी, आज का जो उपलक्ष्य है गायों को बचाने के लिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जनता को मोटिवेट कीजिए कि कहना नहीं है, उसको करना, अमल भी करना है कि गायों को बचाना है। देखिए, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि अच्छे और बुरे की पहचान क्या है। वो पहचान ये है कि कर्मण्यन्यत मनस्यन्यत वचस्सन्यत दुरात्मना, कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मा। आत्मा और दुरात्मा की पहचान ये है कि जिसके मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और, वो दुरात्मा है। और जिसके मन में जो हो वही उसकी वाणी में हो, और जो वाणी में हो वही उसके कर्म में, वो महात्मा है। तो हम जो कह रहे हैं वही हमारे कर्म में, आचरण में आना चाहिए। गाय के बारे में बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन असल में गाय काटी जा रही है रोज। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू जनता है वो इस बात को समझे कि बहुत बड़ा पाप गौ हत्या का होता है, और वो हर हिंदू के माथे इसलिए लग रहा है क्योंकि केंद्र की जिस सरकार को वो चुनती है उस वही गौ हत्या करती है। आजादी के 75 साल में कोई भी ऐसी सरकार अभी तक नहीं आई है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई है जिसने गौ हत्या बंदी की बात की, सब गौ हत्या करती चली जा रही है। 75 साल हो गए आजादी, आखिर कब तक प्रतीक्षा करेंगे? इसलिए अब कड़क हो जाने की जरूरत है। अब हिंदुओं को ये साफ साफ कह देने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं, कृपा करके कसाई पार्टियां हमसे वोट मांगने ना आए। अगर आप गौ हत्या करना चाहते हैं सरकार बनाने के बाद, तो हमारा वोट आपको नहीं, ये बात साफ साफ कहना होगा और फिर उसको करके भी दिखाना होगा। सीए लागू कर दिया है, उसमें मुस्लिम समुदाय को भी अब भारत में रहने की आजादी होगी, तो ज्यादातर यही समुदाय जो है गायों को काटते हैं, खाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते? देखिए, बात यह है कि जब सरकार हमारी उसको अपराध घोषित कर देगी, तो देश का कोई भी नागरिक वो अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा, कम से कम कानून हो जाएगा। तो इसलिए आप किसको नागरिकता दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने राजनीतिक दृष्टि से देख लीजिए, लेकिन हमारी गाय को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और वो होता चला जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले गौ माता को, गौ माता जो राष्ट्र माता गौ है, जो रामा गाय है, जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है, असंकरीकृत, उसको आप राष्ट्र माता घोषित करिए और उसकी हत्या को अपराध करिए। देखिए, राजस्थान जो है वो वीरों की धरती है, और हम गौ हत्या बचाने के लिए इस समय खड़े हुए हैं। बहुत सारे वीर राजस्थान की धरती में हैं, और इस धरती में आने से भी वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो कल से वृंदावन पहुंच करके परसों से हम अपनी पदयात्रा गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प यात्रा के रूप में शुरू करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि राजस्थान की धरती पर चलते हैं, ताकि वहाँ से कुछ साहस बल हमको गौ रक्षा के लिए मिले। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो सफल रहे, वो सक्षम रहे, वो देश के लोगों की भावना को समझे और तदनुरूप कार्य करे, यही हम सब प्रधानमंत्रियों से चाहते रहे हैं, वही मोदी जी से चाहते हैं। महाराज, रामलला का मंदिर बन गया, लाखों लोग जा रहे हैं। रामलला का इस समय मंदिर बन गया और लाखों लोग जा रहे हैं, जैसे गलत बता रहे थे, जिस तरह ये ऐसा है कि शुरू में नहीं, हमने जो गलत बताया वो तो सदा के लिए बताया, शुरू और बाद की बात नहीं होती है। अब चूंकि जा ही रहे हैं, अब सवाल ये है कि जो शास्त्र की अवहेलना वहां पर हो रही थी, हमने उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। एक धर्माचार्य के रूप में हमारा ये दायित्व था, अगर हम ना करते तो भी सवाल उठ जाता कि ये धर्माचार्य बैठे हैं और धर्म विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो हमको अपना दायित्व तो निभाना ही पड़ेगा। तो हमने निभाया, उस समय निभाया, आगे भी निभाते रहेंगे। जहाँ तक वहाँ पर लाखों लोगों को जाने की बात है, वहाँ करोड़ों लोग जाएं, अच्छी बात है, हम तो प्रसन्नता होगी, लेकिन हमको ये समस्या है कि राम के आ जाने के बाद भी क्या भारत देश में गाय घटती रहेगी, गौ हत्या होती रहेगी? जब राम नहीं थे तब तक हो गया, तब भी एक बार चलो मुंह छिपाने का कोई एक बहाना है, हालांकि बहुत मजबूत बहाना नहीं है, लेकिन बहाना है। लेकिन अब तो वो बहाना भी खत्म है कि राम आ गए, अब राम आ गए तभी गाय कटेगी देश में। तो इसीलिए हमारा कहना है कि कम से कम अब इसी चुनाव में ये तय हो जाना चाहिए, चुनाव के पहले ही देश की जनता को पता चल जाना चाहिए
कि कौन सी पार्टियां भाई पार्टियां हैं जो गाय को माता हमारे जैसे ही मानती हैं, और कौन सी कसाई पार्टियां हैं। तो कसाई पार्टियों को वोट देना बंद करें हम लोग, क्यों? क्योंकि राम आ गए हैं तो गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए भाई। काशी हो, मथुरा हो, सब हो, लेकिन काशी में शिव जी हैं, मथुरा में कृष्ण जी हैं, अयोध्या में राम जी हैं, लेकिन हमारी गाय में तो 33 कोटि देवता हैं। तो जब 33 कोटि देवता एक गाय की काटने से कट जा रहे हैं तो उतना अपमान उनका हो रहा है, तो एक मंदिर के अपमान से बड़ा अपमान गाय का कटना है कि छोटा है? इसलिए हिंदुओं के लिए सबसे पहला काम इस समय है गौ हत्या रोकना, गौ रक्षा करना। भाई हमको रोका जाता है तो हम कोई गलत काम करने जाएं और रोक दे अच्छा लगता है, लेकिन हम अच्छा काम करने निकलते हैं तब भी रोक देते हैं, यही तो समस्या है। इसीलिए तो हम लोगों को लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो वो सिद्धांत के अनुसार कहते हैं, किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं कहते हैं। बात क्या है कि आजादी के बाद से अब तक एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है और एक व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है। जितनी भी सरकारें अभी तक आई वो सब ने तो गौ हत्या की है, वो धरना बन गया है, जो आ रहा है वही धरना, उसी धरने पर चल रहा है, उसी धरने को तो हम चाहते हैं कि अब आगे क्या हुआ इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं होना चाहिए, कम से कम हिंदू खड़ा हो जाए। मोदी जी को देखिए, मोदी जी के विरोध की कोई बात ही नहीं है, आप लोग मोदी जी के विरोध में, मोदी जो समर्थन कर रहे हैं वो भी मोदी मोदी चिल्लाते हैं, जो विरोध करते हैं वो भी मोदी मोदी चिल्लाते हैं। बात मोदी की कहाँ है, क्या मोदी जी ही सब कुछ हो गए? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, हमारे द्वारा चुने गए जो सांसद है उन्होंने मिलकर के अपना नेता उनको चुना है, इसलिए वो प्रधानमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। जब तक सांसद लोग उनको अपना नेता चुनेंगे तब तक वो निभाते रहेंगे, लेकिन सांसद चुनना हमारे हाथ में है, सांसद लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री सीधे नहीं चुनते हैं, सांसद हम चुनते हैं। हम ऐसा सांसद ही नहीं चुनेंगे जो कसाई पार्टी में संबंध रखता हो, यही तो हमारा कहना है कि हम कसाई पार्टी को नहीं वोट देंगे। अरे भाई उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी बात मत करो, क्यों? क्योंकि इसकी बात करवा कर ही आप लोग पूरा आधा घंटा का डिबेट पूरा कर देते हो कि उस समय क्या हुआ था, उस समय के चक्कर में आज का कुछ हो ही नहीं पाता। हम आज की बात कर रहे हैं कि आज गाय के पक्ष में जो खड़ा है वो भाई पार्टी का व्यक्ति है, भाई पार्टी को हिंदू वोट दे, और जो गाय के विपक्ष में खड़ा है गौ हत्या जारी रखना चाहता है, शपथ पत्र पूर्वक उद्घोषणा नहीं कर रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम ये करेंगे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या बंद करेंगे, वो कसाई पार्टी है, ये साफ कहो ना, और आगे आगे के लिए रास्ता बनाओ। पुरानी बातें उठा उठा करके आप लोग डाइवर्ट कर देते हो।